यहाँ पर ये सिलाई मशीन रखी हुई है, दो दो। दूल्हा तो इसका आया नहीं, तो फिलहाल यही दूल्हा बन रही है। क्यों स्टाइल है कोल्ड ड्रिंक पीने का। लेकर जाइए, बिल्कुल पहनने के बाद पठान तो नहीं लगेंगे, बल्कि टाइगर की तरह बिल्कुल लगेंगे। बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट पहन के। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और कल है हैप्पी की ट्रेन, तो आज हम आए हैं यहाँ पे जीजू के लिए कुछ लेना था। शॉप पे आई हूँ, देखती हूँ कुछ पसंद आता है तो हम लेते हैं उनके लिए। ये सकीना अप्पी, ये है अप्पी, और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने। पनीर रोल, तो हम अभी यहाँ पर आए हैं पनीर रोल खाने। और ये जो कल जा रही है, ये कल जाने वाली है, तो इन्हें बहुत मजा आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है, एक मिनट इन्हें जाने दो, मजा नहीं आ रहा है। और मैं बहुत ज्यादा गोरी लग रही हूँ इसकी वीडियो में, मैं अपने फोन में इतनी गोरी नहीं दिखती है क्योंकि मेरा फोन अच्छा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये जा रही है फाइनली। ये खुश नहीं है, अभी अकेले में बोली थी जीजू को, बोला ना एक दो दिन और रुक जाने, लेकिन जीजू ने टिकट कटवा दिया। मतलब पूछा भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस पता नहीं आना है तो आना है, उन्होंने टिकट निकलवा दिया। तो कल जाएंगी, आज छुट्टी पैकिंग। अभी हम आए हैं, अप्पी की फ्रेंड से मिलना था अप्पी को, और कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी तो उसके लिए मार्केट आए हैं। रोल खाने के बाद भी अप्पी को चाट खाना है, क्योंकि आज लास्ट डे है उनका, उनको यहाँ की चाट बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये चाट वो खाकर जाएंगे। तो ये आ गई हमारी चाट। तो ये आ गई हमारी पेस्ट्री, और ये देखिए बिल्कुल कप की तरह है, ये भी आप खा सकते हैं। इसको स्पून भी है और ये कप की तरह है, तो ये भी खा सकते। ये पसंद आया, ये कॉन्सेप्ट पसंद आया। और इसका न्यू स्टाइल है कोल्ड ड्रिंक पीने का। अभी जो चॉकलेट केक खाया है मैंने, तो ये चॉकलेट का बना हुआ कप है, इसमें हम डालेंगे इस तरह से कोल्ड ड्रिंक, और मजा तब आएगा जब तुम कुछ गर्म डालो और ये पिघल जाए। ये तो ठंडा है, हम इसको पियेंगे। तो ये मेरी इन्वेंशन, ये तो पी नहीं सकती, इसका मास्क लगा हुआ है। कैसा है बताओ? अमेजिंग, सच में एक न्यू फ्लेवर है, कसम से टेस्टी। मेरा बेस्ट फ्रेंड जब खुलेगा तो ये वाला लगेगा। और हम ये कब तक टीका कब तक एक बार टेन देना चाहते हैं, बट ये मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं है। सिक्स बाय टेन, तो अभी अभी कम्प्लीट करेंगे वीडियो के बाद। तो ये 7-7 है, और हमारे घर के पास जो है वो 7-11 है, तो मैंने 7-7 और गलती से 7-11 बोल दिया। उल्टी आ रही है, बहुत ज्यादा खा लिया है, एक ही दिन में सारा कुछ खा लिया, रोल, चाट, कपकेक, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ। सकीना अप्पी से मिलने के बाद अभी हम जा रहे हैं एक शॉप पे, वहाँ से हम जीजू के लिए कुछ देखेंगे, तो अगर कुछ पसंद आता है तो वो लेंगे। और ये बीच वाला जो डिजाइन है वो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ उसे कॉपी कर लूँ। ये वाला, ये हाँ वो मैं सोच रही हूँ, वाला मेरे पास एक ड्रेस है वैसा ही कुछ लग रहा है। वाओ, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हर जगह रणवीर सिंह ही नजर आ रहे हैं। हाय गाइस, तो स्वागत है आपका हीना की दुनिया चैनल में, और इसके ऊपर चुके हैं 25,000 सब्सक्राइबर, मेरे 500 भी नहीं हुए। दूल्हा तो इसका आया नहीं, तो फिलहाल यही दूल्हा बन रही है। अरे यार बहुत ज्यादा बड़ा है, घुसाओ तो मुंह ही छुप जाएगा मेरा। दिखाओ, वाह वो लग रही हो जो सिंगर है, पंजाबी सिंगर।
कौन है, एम से कुछ नाम है। अच्छा लग रहा यार। अरे वो कोई कार है ना, वो पता नहीं। अच्छा लग रहा, बताना। वाओ, ये बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है पर अच्छा लग रहा है। इसमें तुम अकबर बीरबल लग रही हो। इंसल्ट था, अकबर बीरबल लग रही। इंसल्ट था, नहीं नहीं सही बात है, लोग शाही लोग थे। तो क्या बोल रही हो, तुमने इंसल्ट किया है उन लोगों का। वो व्हाइट वाला डालो, व्हाइट अच्छा लग रहा है ऊपर। शाही लोग थे, सॉरी सॉरी। सारा एक ही प्राइस है, बस दिखने में चिकना लग रहा है, तो कुछ है नहीं। शॉप वाले भैया, शॉप वाले भैया यहाँ है। इनका भी एक ब्लॉगिंग चैनल है, इनका चलता ही नहीं है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें लग रही हो तुम राजपूताना, राजपूताना किंग जो, हाँ जो राजपूत लोग थे, राजस्थान के किंग। बहुत ही सुरीली हवा दर भैया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिलाई मशीन रखी हुई है, दो दो। ये बस शो के लिए रखा गया है यहाँ पर, और सोच रही हूँ यहाँ से उठा लूँ, ये मेरे काम आ जाएगा। हुमा नहीं, पुमा लिखा है उसमें। सच में हुमा लिखा है यार, एच लिखा है, एच यू एम ए। अबे जीजू का टी शर्ट लेना है, लेकिन जीजू का साइज ही नहीं पता है। हाँ यार, क्योंकि वो हमेशा ले लेते, हम नहीं लेते। ये एम है, हाँ ये आएगा, हाँ ये आ जाएगा। अरे ऐसे ऐसे वाइफ होती हैं जिन्हें अपने हस्बैंड के टी शर्ट का साइज नहीं पता होता है, शर्ट का साइज शायद एम है, ठीक है, शायद एम है, शायद एम है। तो अभी कॉल लगाया जा रहा है, देखते हैं जीजू क्या बोलते हैं। कॉल लगाया जाए, कॉल किसी और नंबर पे, तो जीजू को लौट ही ना, हम बोले नहीं, फंसा दी, एम होता होगा। तो बोलती है पूछ ली, देखी हम बोले थे ना, क्या बोले, क्या बोले, हम ऐसा कुछ बोले ही नहीं कि जीजू मोटे हैं। ध्यान दीजिए, कितना झूठ बोले, अभी मेरे को 100 रुपए का चाट खिलाएगी। 100 रुपए का चाट कौन खाता है। हाँ तो वही तो, छोड़िए, देखा कैसे बहलाया मैंने, कितनी गंदी हो तुम, इतनी बड़ा सा दिखाइए, मेरे को लग रहा है ये अच्छा लग रहा है यार, आई लाइक इट। ये हमारे सलमान भाई का ब्रांड, कमाल का चीज ये। हाँ, वंस मोर वंस मोर, कमाल का चीज सर, और किसी नहीं करोगे आप। मां शाहरुख खान ये वाला लेकर जाइए, बिल्कुल पहनने के बाद पठान तो नहीं लगेंगे, बल्कि टाइगर की तरह बिल्कुल लगेंगे। वाह क्या बात है, फरमाइश हो रही है यहाँ पे। भाई हो बहना, बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट पहन के, ठीक है, ठीक था यार, बहुत अच्छा बोल रहे थे, फिर से बहुत अच्छा बोल रहे थे। मित्रों मैं कहता हूँ टी शर्ट पहनो, बीइंग ह्यूमन का पहनो। वाह क्या बात है, टैलेंट कूट कूट कर भरा है। तो ये टी शर्ट हमें पसंद आया है जीजू के लिए, तो हम ये वाला ले रहे हैं। चलो आप देख सकते हैं, ये अप्पी है, और ये सॉरी ये अप्पी है, और ये जीजू। देखो अब खुद जाके वापस फिक्स हो जाओ, तुम लेकिन तुमसे गोरी है वो, लेकिन जीजू को चेहरा देखो ना ब्लैक फुल। अभी हम आ गए हैं घर, और हमने खाना भी खा लिया है, और आज क्या बना था, बिरयानी बनी थी, तो मैं वहां से आई, उसके बाद मैंने और खुशी ने हमने मिलकर बनाया बिरयानी, फिर हमने खाया, और अभी अब भी करेंगी पैकिंग। तो यहां से मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, अभी मैं इस ब्लॉग को यहां पे एंड कर रही हूं। अभी जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो आएगा इनके जाने का ब्लॉग, जो किसी को भगाना होता है फिर बिरयानी खिलाते हैं। हाँ हमारे यहाँ मतलब ऐसा होता है, जब किसी मेहमान को
भगाना होता तो उससे एक दिन पहले आप बिरयानी या पुलाव बनाकर हम उन्हें विदा करते हैं। अच्छा खाना खिलाकर हम उन्हें विदा करते हैं। अच्छा। तो जब भी हमारे घर पर पॉजिटिविटी जब हमारे घर पर कोई आए और हम पुलाव चिकन बनाए या फिर बिरयानी बनाए तो आप समझ लीजिए कि उनके जाने का टाइम आ चुका है। तो चलिए फिलहाल अभी करते हैं इस व्लॉग को एंड। लेकिन ये आज मुझे डिज्नीलैंड लेकर नहीं गई, मेरा बहुत मन कर रहा था। कितने दिन डिज्नीलैंड जाना है रे? हम आई थिंक ये जब से आई हम तीन बार डिज्नीलैंड जा चुके, तीन बार गए ना, एक बार और जाना। अरे यहाँ पास में इसका तुम खुशी चार बार गई है और मैं भी चार बार गई हूँ, मैं भी चार बार गई हूँ, ये तीन बार गई है। और मतलब यहाँ पास में है तो उसका क्या मतलब है कि ये हम बस हम बार बार चले जाएं, बार बार चले जाएं। बस एक बार और जाना था इनका एक झूला छूट गया था वो नाव वाला, हाँ, बस उसी की राइड लेनी थी इन्हें, बस बाकी तो सारा कुछ हमने झूल लिया है ना। चाहे तो, आप कितने भी बड़े बड़े झूले पे झूलो या कितने भी बड़े बड़े डिज्नीलैंड में बड़े बड़े शहर में झूलो, लेकिन जो यहाँ के डिज्नीलैंड में मजा है ना वो वहाँ के डिज्नीलैंड में मजा नहीं आता है। बस ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज्यादा मजा आता है। तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अभी इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, इनकी जाने का ब्लॉग, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।